नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चट्टान भाग दो। पिछले वीडियो में आपने देखा कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के लावे से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। चट्टानों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके पहले मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। दोनों ही महत्वपूर्ण वीडियो थे। और इसके आगे हम आते हैं चट्टानों के प्रकार। तो हमने आपको चट्टानों के निर्माण के समय बताया था कि चट्टानें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी की लावा से निर्मित होती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। उसके बाद आग्नेय चट्टान के अपरदन और अपक्षय से परत दर परत बनने वाली जो मुलायम चट्टान होती है उसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, यह मुलायम होती है। उसके बाद अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण या ज्वालामुखी के लावा फिर से आ जाता है या फिर भूस्खलन की घटना होती है जिसमें ऊपर की परत नीचे और नीचे की परत ऊपर वो दब जाती है, तो उससे रूपांतरित चट्टान, जब आग्नेय चट्टानों या अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन होता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। हम आते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी के लावे से पृथ्वी के अंदर से निकलती है। जब पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो इसको दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। एक अंतरजातीय आग्नेय चट्टान, यानी कि जो अंदर ही रह जाती है, यानी कि जब लावा निकलता है तो लावा का कुछ भाग तो ऊपर निकलता है ज्वालामुखी से। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा ज्वालामुखी है तो ये हमारा लावा निकलता है, ये लावा निकलता है, लेकिन इसका कुछ भाग ये पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, इधर ही रह जाता है, इधर ही पृथ्वी के अन्य दरारों में इधर उधर फैल जाता है, तो इसको अंतरजातीय आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जो लावा बाहर निकलता है इसको बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। आप बहुत अच्छे समझते हैं, जो अंतरजातीय आग्नेय चट्टान होती है यह बहुत ही कठोर होती है और बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर वो ठंडे नहीं हो पाती, बहुत धीरे धीरे ठंडा होती, इसलिए इसके रवे बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही मजबूत और बहुत बड़े शिलाखंड होते हैं और बहुत बहुत दिनों में ठंडे होते हैं, कई सौ सालों में ठंडे होते हैं वो, या कई कई सालों में, पचासों सालों में या सौ सालों में ठंडे होते हैं, इसलिए बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके उदाहरण हम बताएंगे। इस अंतरजातीय चट्टानों में भी तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, एक पातालीय आग्नेय चट्टान और एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और बाह्य वाला तीसरा आप देख ही रहे हैं। पातालीय आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी के लावा के बिल्कुल अंदर नीचे रह जाती है और बहुत ही अंदर रह जाती है और सबसे देर में ठंडा होती है, इसके रवे सबसे बड़े बड़े होते हैं। और मध्य वाली जो इनके जो इस बाह्य आग्नेय चट्टान और पातालीय आग्नेय चट्टान के बीच मध्य में इधर भूपरपट्टी में नहीं आती है और बहुत अंदर भी नहीं रहती है, उसको बोलते हैं मध्य आग्नेय चट्टान, उसको बोलते हैं मध्य आग्नेय चट्टान। अब इस अंतरजातीय आग्नेय चट्टान, आप तो समझ रहे होंगे कि मध्य क्या है, जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो जो चट्टाने बाहर आकर के जो लावा बाहर फैल जाता है वह बाह्य आग्नेय चट्टान होता है और जो ज्वालामुखी के नीचे ही रह जाता है, अंदर पृथ्वी के अंदर ही फैला रहता है, बहुत दिनों ठंडा होता है, उसे पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो ज्वालामुखी के ऊपर आता है, मुंह तक आता है ज्वालामुखी के मुंह तक, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है, पृथ्वी के दरारों वरारों में कई आकृतियां होती हैं, उसमें सील डाइक कई आकृतियां होती हैं, गुंबदाकार होती है और उसको अलग अलग नाम है उनके, तो वो मध्य पातालीय आग्नेय चट्टान उसको बोला जाता है। तो अब हम पातालीय आग्नेय चट्टान में जब हम आएंगे, ये सब देखिए, ये पूरे आग्नेय चट्टान के प्रकार है, कौन कौन सी आग्नेय चट्टानें होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा कि ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चीका पत्थर में कौन सा आग्नेय चट्टान है, कौन सा रूपांतरित चट्टान है, कौन सा अवसादी चट्टान है, इसको आपको टिक करना होता है। या आपको ये भी दे देगा कि मतलब चार पांच चट्टानों का नाम, तीन चार चट्टानों का नाम इधर दे देगा और चट्टानों के प्रकार इधर देगा, उनको कह देगा कि मैच करिए कौन आग्नेय चट्टान है, कौन अवसादी चट्टान है, कौन रूपांतरित चट्टान है, इसको मैच करें। इसलिए इन नामों को कन्फर्म करके चलना बहुत ज़रूरी है, यह भूगोल के फंडामेंटल बिंदु हैं, इनको याद करना ज़रूरी है, इससे कम से कम एक दो नंबर के प्रश्न हमेशा बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार, आप देख सकते हैं ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, साइनाइट, डायरोटाइट, एंडेसाइट, गैब्रो, डोलराइट और प्रेडोराइट,
यह आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं। इन आग्नेय चट्टानों के प्रकार में अगर हम देखेंगे कि कौन सा पातालीय आग्नेय चट्टान है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ज़्यादा रहता है, और कौन पृथ्वी के ऊपर रहता है, तो आप देख सकते हैं कि बाह्य आग्नेय चट्टान में हमारा रायोलाइट बाह्य आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान है, और ग्रेनाइट पातालीय आग्नेय चट्टान है। बड़ी मजबूत और हल्की चट्टान मानी जाती है ग्रेनाइट, पातालीय आग्नेय चट्टान है। गैब्रो पातालीय आग्नेय चट्टान है, और डोलाराइट मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। ये चट्टानों के प्रकार होंगे, आप इनको रट सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको रटना ही है, क्योंकि इन नामों को याद करने में आपको समझने नहीं है, इसको रटना ही है कि ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, रायोलाइट कौन सी चट्टान है। तो सब आग्नेय चट्टान, इतना डीप में नहीं पूछता है खासतौर से, हाँ समीक्षा अधिकारी या अन्य पीछे से गाँव में डीप में पूछ सकता है, लेकिन पुलिस जैसे एग्जामों में इसके डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कौन से प्रकार है। इन चट्टानों को दो, इस आग्नेय चट्टान को रासायनिक गुण के आधार पर दो और भागों में बांटा गया है, एक अम्लीय चट्टान और एक क्षारीय चट्टान। क्योंकि हमने बताया कि पृथ्वी के अंदर बहुत से तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो उनके अंश तो उन चट्टानों में होंगे ही होंगे थोड़े बहुत, लेकिन जब यह उस उन तत्वों के गुण अधिक प्रदर्शित होने लगते हैं तब हम बोलते हैं कि यह इस गुण का चट्टान है। तो इन चट्टानों को दो भागों में बांटते हैं, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान, दूसरा क्षारीय आग्नेय चट्टान। जब हम अम्लीय आग्नेय चट्टान की बात करेंगे, जिस आग्नेय चट्टान में सिलिका की अधिक मात्रा हो वह अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, और इसका रंग हल्का होता है जैसे ग्रेनाइट, और यह चट्टान हल्की भी होती है अन्य चट्टानों की अपेक्षा, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह हल्की होती है, और इसका रंग हल्का होता है जैसे ग्रेनाइट। आप देख सकते हैं ग्रेनाइट कितनी हल्की चट्टान होती है, जबकि होती बहुत मजबूत है। उसके बाद जो जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है और इसमें लोहे के अंश अधिक होने के कारण इसका रंग गाढ़ा होता है, उसको वो क्षारीय अम्लीय चट्टान होती है। देख फेरोमैग्नीशियम एसआई की मात्रा कम होती है, फेरोमैग्नीशियम की अधिकता हो, फेरोमैग्नीशियम लोहे की अधिकता होने के कारण इसका गहरा रंग होता है और यह क्षारीय चट्टान होती है। इसका घनत्व अधिक होता है। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान, हमने पहले बताया था अवसादी चट्टान एक महत्वपूर्ण चट्टान है। इसका निर्माण दरबदर पृथ्वी के अपरदन की क्रियाओं से हुआ है, जो भूपर्पटी का भाग अपरदन अपरदन और पक्षय की घटना से धीरे धीरे धीरे। आप सिंपल उदाहरण देखते होंगे, जब कोई कभी पानी आता है, नदी का पानी आता है, तालाब का पानी आता है, तो अपने साथ ढेर सारा कचरा लेकर के आता है, कूड़ा करकट गंदी लेकर, और तल पे छोड़ करके चला जाता है, फिर आता है, फिर उसको ऊपर लाता है, ऐसे वहाँ पे तह बतह तह बतह बन जाती है। और ये अवसादी चट्टान केवल उसी पानी की घटना से नहीं होता है, यह पहाड़ पवन के द्वारा भी होता है। हवाएं अपने साथ ढेर सारे बालू पत्थर बालू धूल कण ला के कहीं छोड़ देती हैं, फिर कुछ दिनों बाद फिर ला करके छोड़ देती हैं, वो धीरे धीरे तह पे तह तह पे तह तह पे तह जम जाता है। जब यह कई वर्षों कई सालों तक वो पड़ा रहता है, उसमें नमी की मात्रा आ जाती है, ताप उसमें हो जाता है, तो एक मुलायम चट्टान सी बन जाती है, और परत दर परत और अवसादों से निर्मित होने के कारण इसे परतदार और अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। इस अवसादी चट्टानों को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला अकार्बनिक अवसादी चट्टान, यानी कि जिसमें कोई भी कार्बनिक तत्व नहीं होता है। दूसरा कार्बनिक अवसादी चट्टान, और तीसरा रासायनिक अवसादी चट्टान, यानी कि जो जिनमें जैसे गुण होते हैं उनको उसी आधार पर दिया गया। अवसादी चट्टानों के बारे में आपको बता दूं, अवसादी चट्टान एक महत्वपूर्ण चट्टान होती है, इसी में जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। जितने भी जीवाश्मी ईंधन होते हैं, जीवाश्मी ईंधन आप समझ रहे हैं, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्मी ईंधन है, यह सब अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। क्योंकि आग्नेय चट्टान एक पातालीय चट्टान है, आगों द्वारा निर्मित, इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवाश्म
जीवाश्मी ईंधन या जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? जीवाश्म क्या होता है? जीवों के अंश, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया, जैसे पहाड़ों पर रह रहे हैं कोई जीव जंतु पेड़ पौधे, पृथ्वी के ऊपरी तल पर रह रहे हैं, वह अचानक भूकंप आ गया या भूस्खलन आ गया, वो पृथ्वी के नीचे दब गए, वो पृथ्वी के नीचे दब गए, या फिर परत दर परत कोई भूकंप आया, हवा आया, तूफान आया, बाढ़ के कारण वो दब गए। तो ये अवसादी चट्टानों में ही जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, और आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म के अंश नहीं पाए जाते। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, संपूर्ण पृथ्वी का जो क्रस्ट है 75% भाग, पूरे क्रस्ट का 75% भाग पर अवसादी चट्टाने ही फैली हुई हैं। पूरे पृथ्वी पर 75% भाग अवसादी चट्टानों का ही है, जबकि इस क्रस्ट के निर्माण में बाकी 25% पे आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने हैं। जबकि इस क्रस्ट के निर्माण में इस आग्नेय अवसादी चट्टान का रोल मात्र 5-10% ही है, लेकिन इसका फैलाव ऊपरी क्षेत्र में ज़्यादा है। पूरी मिट्टी, हमने पूरी मिट्टी, पूरे धूल कण सब अवसादी चट्टान मुलायम होने के कारण इसी में हम खेती भी करते हैं, खेती वाली जमीन वाली इसी पेड़ पौधे उगते हैं, ये अवसादी चट्टानों में ही होते हैं। अब अकार्बनिक अवसादी चट्टान होते हैं जिसमें कार्बन के कोई गुण नहीं हो, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक मतलब जीवाश्म के कोई अंश नहीं होते, जिसमें कार्बनिक कोई भी तत्व नहीं होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है लोयस, जो धूल के साथ डस्ट वगैरह आती है, बालू वगैरह आते हैं, वो लोयस होता है। बलुआ पत्थर, चीका, सेल, सिल्ट, मिट्टी, चीका मिट्टी, सेल, सिल्ट, क्ले, यह सब अकार्बनिक औषादी चट्टान है, इसमें कोई भी कार्बनिक तत्व तो नहीं पाया जाता है। आप इन औषादी चट्टानों को देखते, ये पूरा औषादी चट्टान है, लोयस, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, सेल, सिल्ट, क्ले, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, डोलामाइट, सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, यह सब औषादी चट्टानों की लिस्ट हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अब इसमें अकार्बनिक चट्टान ये हैं लोयस, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, सेल, और कार्बनिक, जिसमें कार्बनिक पत्थर, जिसमें कार्बन के तत्व पाए जाते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है जो चूना पत्थर, जिसमें जीव जंतुओं के अंश पाए जाते हैं। दूसरा कोयला, जो पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित होता है। कोयला और जीवाश्मी ईंधन के बारे में मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँगा कि जीवाश्मी ईंधन पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण कैसे होता है। जब लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे किसी प्राकृतिक घटना के कारण पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इनका डिकम्पोजिशन होता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो जितने जीव जंतु होते हैं वह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उससे हमें कोयला और जीवाश्म ईंधन मिलता है, और यह ऐसा पृथ्वी के ऊपरी तल पर औषादी चट्टानों में दबने के कारण ही होता है, इसलिए औषादी चट्टानें जीवाश्म ईंधन का एक सोर्स होती हैं। इसके बाद आते हैं रासायनिक पदार्थ, डोलामाइट, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर, ये सब रासायनिक रूप से औषादी चट्टानें हैं, महत्वपूर्ण हैं। सेंधा नमक, प्रश्न बहुत पूछता है सेंधा नमक किस प्रकार की चट्टान है, तो औषादी चट्टान है, चट्टान नहीं है, या फिर आग्नेय चट्टान है, या इसमें चट्टानों के नाम और रूप से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आते हैं रूपांतरित चट्टान में। रूपांतरित चट्टान के बारे में हमने आपको बताया था कि अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण, जैसे मान लीजिए यह कोई औषादी चट्टान है और यह कोई आग्नेय चट्टान है, जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा दाब, और नीचे पूरा है, बहुत ज्यादा दाब और बहुत ज्यादा अत्यधिक ताप पड़े, तब यह अपने आप में सिकुड़ जाएगी, इसके रासायनिक रूपों में, इसके घनत्व में, इसकी संरचना में काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी दब रही है, नीचे से भी बेस स्ट्रांग है और अत्यधिक ताप है, तो इसके रूप में इस औषादी चट्टान और इस आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और यह दोनों चट्टान रासायनिक
रासायनिक रूप से परिवर्तित होने के कारण, रूप परिवर्तित होने के कारण रूपांतरित चट्टान में बदल जाएंगी, लेकिन यह औषधि चट्टान है और चट्टान है। दोनों को आप दबा करके मजबूत तो बना नहीं सकते हैं, आग्नेय चट्टान जैसे मजबूत तो बना नहीं सकते। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है रूपांतरित चट्टानों का रूप, कि यह किस चट्टान से रूपांतरित होकर के बदला है। हम यहाँ पे इसमें देखेंगे, जब आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तित होता है तो रूपांतरित चट्टान बनती है, तो उनका क्या होता है, कौन सी आग्नेय चट्टान का जब रूप बदलता है तो वह कौन सी रूपांतरित चट्टान बनती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादातर प्रश्न इसी यहीं से पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट का जब रूप, ग्रेनाइट जब रूपांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि अगर यहां पे ग्रेनाइट है, अगर यह ग्रेनाइट है और जब यह कायंत्रित चट्टान के रूप में बदलेगी तब यह नाइस बन जाएगा, नाइस या नीस बन जाएगा। अगर वह बेसाल्ट है तो एम्फीबोलाइट बन जाएगा, अगर वह गैब्रो है तो सर्वेंटाइन बन जाएगा। यह सब ग्रेनाइट चट्टाने हैं और ये इनका रूप परिवर्तित यानी रूपांतरित चट्टान है। यही बात हम करते हैं औषधीय चट्टानों के रूप में, ये हमारी औषधीय चट्टान है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी परीक्षा के बिंदु के लिए। आप पिछले वीडियोज़ को भी देखते रहिए, मैंने इसमें इतिहास, कुछ बच्चे कह रहे सर इतिहास शुरू करिए, मैंने कहा पहले आप हिस्ट्री के पुराने वीडियो जो मैंने स्टोरी टाइप के दिए हुए हैं, खास तौर से वह बेस प्रिपरेशन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और जो पीसीएस में फर्स्ट पहली बार बैठ रहे उनके बेस नॉलेज के लिए, वो हमारा इतिहास का जो वीडियो पड़ा हुआ है स्टोरी मेकिंग फॉर्मेशन, उसको आप बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें कोई भी बिंदु छूट नहीं रहा है। आपको जो भी समस्याएं हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए और हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अभी मैं ये बता रहा हूँ औषधि चट्टानों का रूप, बलुआ पत्थर जब होता है तो वह क्वार्टजाइट बनता है, जब चूना पत्थर का रूप बदलता है तो संगमरमर बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, संगमरमर किसका रूप परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का परिवर्तित, चूना पत्थर किस प्रकार चट्टान है, औषधीय चट्टान है, और संगमरमर किस प्रकार के चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। शैल, स्लेट, कोयला, कोयला भी एक औषधीय चट्टान है। जब कोयला भी अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब में पड़ता है तो कोयले का रूप बदल जाता है, वह ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा क्या है, चट्टान है, धातु है, अधातु है, क्या है, और हीरा की यह प्रश्न किस, हीरा किस प्रकार की चट्टान है, या उसमें दे देगा प्रश्न देगा किसी एक औषधि किसी एक रूपांतरित चट्टान को पट्टिक करिए, उसमें ढेर सारे चट्टानों का नाम रहेगा, उसमें हीरा का नाम, हीरा का नाम रहेगा। मैक्सिमम बच्चे हीरा को एक चट्टान नहीं मानते, जैसे संगमरमर है एक और रूपांतरित चट्टान, उसी तरह से हीरा और ग्रेफाइट भी एक रूपांतरित चट्टान है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन रूपांतरित चट्टानों जो होते हैं दब जाती हैं, वह भी अत्यधिक ताप और दाब के कारण उनका भी रूप बदल जाता है। तो इन रूपांतरित चट्टानों का भी जब रूप बदल जाता है तो उनका भी काम, नाम अलग हो जाता है। जैसे स्लेट, स्लेट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, लेकिन जब अत्यधिक ताप और दाब के कारण इसका रूप बदलता होता है तो यह सिस्ट बन जाता है, और सिस्ट भी एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान ही है, लेकिन सिस्ट पर भी जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो यह फाइलाइट बन जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यह पूरी तरह से चट्टानों का गुण है, चट्टानों के बारे में बताया गया है, चट्टान कौन 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 किस प्रकार की चट्टान कौन सी होती हैं और उनका रूप परिवर्तित रूप क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पे याद करना है कौन सी औषधीय चट्टानें हैं, परीक्षा की दृष्टि जो बिंदु मैं उसको बता देना चाहूँगा कि इसमें आपको यह याद करना है कि कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन सी औषधीय चट्टान है और कौन सी रूपांतरित चट्टान है, इन चट्टानों के अलग अलग नाम याद करने हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जब आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है तो वह कौन से चट्टान बनती हैं, और जब औषधीय चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है वह कौन से चट्टान बनती हैं, और जब रूपांतरित चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है तो कौन से चट्टान बनती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूं, जो लोग स्टूडेंटों को समझने परेशानी होती है, और आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और
पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत इसकी सूचना मिले। धन्यवाद दोस्तों।